क्लास नाइन्थ वाले बच्चों, क्लास नाइन साइंस केमिस्ट्री मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 8 चैप्टर तो हो ही गया है खत्म। कुछ काम की बातें कर ले तो पूरे चैप्टर में मैटर का 5 स्टेट बताया गया था, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीनियम कंडेंसेट। प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीनियम कंडेंसेट का प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद नहीं करना है, मैं किसी वीडियो में बताऊंगा प्लाज्मा और बोस आइंस्टीनियम कंडेंसेट के बारे में, बट ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमें सॉलिड लिक्विड और गैस का याद करना है, जो कि हमने मेरे ख्याल से पहले भी छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है। तो अगर शेप के बारे में बात करें तो सॉलिड का शेप हमें मालूम है कि इसका शेप जो होता है वो फिक्स होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, वो कंटेनर का शेप ले लेता है, और गैस का भी शेप जो है वो कोई खास शेप नहीं होता गैस का, ठीक है। वॉल्यूम के बारे में बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, और गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। गैस तो कहीं पर भी कितने भी दूर तक जा सकता है, फ्लूडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, जैसे लिक्विड है, ग्लास में पानी डालोगे तो कम ही रहेगा ना, आधा ही ग्लास तक भरेगा, इसका मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स है, बट गैस जो है वो पूरे ग्लास में भी है और ग्लास के बाहर भी है ना, तो वॉल्यूम जो है गैस का फिक्स नहीं है, वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो फिक्स है, बट अगर शेप का बात करोगे तो लिक्विड का शेप जो है वो फिक्स नहीं है, लिक्विड कंटेनर का शेप के हिसाब से ही अपना शेप डिसाइड कर लेता है। उसी तरह से इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ये हमने पढ़ा, आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में सॉलिड से कम, और गैस में जो आपस में इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम है। इस वजह से अगर इंटर मोलिकुलर स्पेस के बारे में बात करें तो ये इंटर मोलिकुलर स्पेस सॉलिड में काफी कम है, लिक्विड में ये स्पेस सॉलिड से ज्यादा है, और गैस में मॉलिक्यूल्स के आपस का इंटर मॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो बहुत दूर दूर तक होता है, मैक्सिमम होता है। रिजिड का मतलब एक जगह पर फिक्स रहना होता है, और फ्लूइड का मतलब फ्लो और ब्लो, बहना, फ्लो और ब्लो, तो हमें मालूम है कि सॉलिड स्थिर रिजिड होता है एक जगह पर, वो फ्लो नहीं कर सकता है। लिक्विड के बारे में हमें मालूम है कि वो फ्लो कर सकता है, रिजिड नहीं होता है। गैस जो है वो भी फ्लो कर सकता है, वो रिजिड नहीं होता है। कंप्रेस, इंग्लिश का वर्ड है कंप्रेस का मतलब दबाना होता है, तो सॉलिड को हम लोग दबा नहीं सकते हैं, नेग्लिजिबल है। अब इसी में है, स्पॉन्ज भी सॉलिड है पर उसके अंदर पोर्स, पोर्स के अंदर अगर एयर ट्रैप हो गया, लिक्विड ट्रैप हो गया, तो उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, बट वो प्रॉपर्टीज में नहीं लिखा जाता। कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बात करेंगे तो सॉलिड का कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, लिक्विड को हम लोग दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, और गैसेस तो हाईली कंप्रेसिबल होता है, सबसे ज्यादा गैस को हम लोग दबा सकते हैं। इसी में बताइएगा, दबाते 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 गैस से लिक्विड बना सकते हैं, बट दिक्कत होता है, दबाते रहोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और हमें मालूम है कि गैस को लिक्विड बनाने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ता है, तो वहां पर उस फलाना गैस का लिक्विफैक्शन टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर करते हैं, तब जाकर के गैस जो है वो लिक्विड बन पाता है। तो ये सब हमने पहले पढ़ा है, इसको एक जगह पर लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस में शेप, वॉल्यूम, इंटर मॉलिकुलर फोर्स, इंटर मॉलिकुलर स्पेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी और कंप्रेसिबिलिटी। बाकी डेंसिटी के बारे में पहले बता चुका हूं कि कॉमन सेंस कहता है कि सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड, फिर गैस, बट डेंसिटी फिजिक्स का टॉपिक है, उसमें कुछ इफ एंड बट भी है, तो उसको हम लोग डिफरेंस बिटवीन जब लिखने की बात आएगी, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस आएगा, तो उसमें डेंसिटी वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे। शेप, वॉल्यूम, इंटर मॉलिकुलर फोर्स, इंटर मॉलिकुलर स्पेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी और कंप्रेसिबिलिटी, इन्हीं सब के बारे में लिखेंगे, ठीक है। लिखो आराम से, शेप, वॉल्यूम, इंटर मॉलिकुलर फोर्स, इंटर मॉलिकुलर स्पेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, इन्हीं सब के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को लिखना है। सॉलिड लिक्विड गैस का प्रॉपर्टी जब लिखने के लिए आए, डिफरेंस बिटवीन करने के लिए आए, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। बाकी वीडियो के एंड में या फिर कभी किसी वीडियो में आपको जो बाकी दो स्टेट्स ऑफ मैटर है
प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीनियम कंडेंसेट उसके बारे में भी लिखवाया जाएगा, बट जब डिफरेंस बिटवीन लिखने के लिए आएगा तो सॉलिड लिक्विड गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में ही डिफरेंस बिटवीन लिखने के लिए आएगा। दूसरे नंबर पर आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में बातचीत करेंगे। तो टेम्परेचर अभी कोविड वगैरह में सब लोगों को ही पता चल गया है, फीवर आ रहा है, कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर बार बार नापूं, टेम्परेचर 9 में तो ऑफिशियल पढ़ रहे हैं, अनऑफिशियल टेम्परेचर गर्म है, सर्दी है, बरसात का मौसम है, ह्यूमिडिटी है, पसीना कब निकलता है, कब नहीं निकलता है, इसी में कितना टेम्परेचर सेट किया जाए, फ्रीज में कितना टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कोई ऐसा नहीं कि 9th में आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले से भी हमें इसके बारे में मालूम है। बाकी ये बेसिक से साइंस का इसका कोई एक ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं होता, बट टेम्परेचर के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि यही एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मेजर करता है कि बॉडी कितना हॉट है या फिर कोल्ड है। इट इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। और टेम्परेचर के बारे में कुछ कुछ हम लोग बातचीत करते हैं, तो ये क्राइटेरिया है जो कि डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, गर्मी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। जैसे चाय है, चाय गर्म होता है फिर थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाता है, तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ, गर्म चाय से बाहर की तरफ। कैसे पता चला, क्योंकि टेम्परेचर चाय का ज्यादा था, बाहर का कम था। मतलब एक बेसिक साइंस के स्टूडेंट आप लोग 9th में है तो आपको मालूम है कि टेम्परेचर ही वो फैक्टर है जिससे कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा वो हमें मालूम चलता है। तो इट इज द क्राइटेरिया विच डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ठीक है। फिर टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है वो है केल्विन, इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है वो केल्विन है। बट 9th क्लास में हम लोग आ गए केल्विन के साथ साथ ये सेल्सियस और ये फारेनहाइट एफ, ये सब यूनिट भी चलता है। और बड़े कमाल की बात है कि अभी सबके ही घर में मोटा मोटी तबीयत खराब है, थर्मोमीटर से सब लोगों को रीडिंग लेना आता है, एकदम एकदम मतलब जो साइंस नहीं पढ़े हैं या फिर एकदम बेसिक्स है उन्हें भी मालूम रहता है कि फीवर, अभी खासकर कोविड का टाइम चल रहा है, फीवर आया तो 100 है तो फीवर है, 101 है तो फीवर है, 101 क्या टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर का यूनिट जो होता है वो फारेनहाइट में होता है। तो टेम्परेचर हैज फ्यू यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट केल्विन है, फेमस यूनिट सेल्सियस है, और थर्मोमीटर में जो हम लोग देखते हैं कि भाई 100 हो गया तो इसको फीवर हो गया, 101 हो गया, 102 103 हो गया तो बहुत तेज फीवर हो गया, वो जो टेम्परेचर है 101 102 वो फारेनहाइट में कैलकुलेट होता है। तो टेम्परेचर का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट केल्विन है, फेमस एक और यूनिट सेल्सियस है, और फारेनहाइट भी टेम्परेचर का यूनिट है। तो हमें आज के क्लास में थोड़ा यूनिट कन्वर्जन करना आना चाहिए कि किस तरह से सेल्सियस से केल्विन, फारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्जन किया जाए, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो पहले नंबर पर ये आपको पढ़ना है, हर 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन होता है। सेल्सियस में 0 तो केल्विन में 273, सेल्सियस में 0 तो केल्विन में 273, सेल्सियस में 1 तो केल्विन में 274, सेल्सियस में 2 तो केल्विन में 275, सेल्सियस में 3 तो केल्विन में 276। जैसे सेल्सियस में 5 तो इस 273 में 5 जोड़ देना है तो 278 केल्विन, सेल्सियस में 10 तो 273 में 10 जोड़ देंगे तो 283, सेल्सियस में 100 तो 273 में 100 जोड़ देंगे तो 373 केल्विन। तो सेल्सियस से केल्विन का कन्वर्जन यही है, हर 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन, हर 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन, हर 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन। ये एक तरीका है सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने का। और जो दूसरा वाला है ये ऑफिशियली हम लोगों को एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 1 में तो नहीं दिया हुआ है, बट अनऑफिशियली चैप्टर 1 में भी है, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, यहाँ तक कि मैथ्स में भी जब आगे एक दो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला मिलेगा। दिस इज द फॉर्मूला बाई विच वी कन्वर्ट सेल्सियस इंटू फारेनहाइट, सेल्सियस से फारेनहाइट में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है। सेल्सियस इज इक्वल टू फारेनहाइट में जो भी रीडिंग होगा -32/9 × 5, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 98.6 याद किए हो छोटे क्लास से, फारेनहाइट में वो होता है थर्मोमीटर में 98.6 जब देखते हैं तो ये नॉर्मल है, वो फारेनहाइट में है,
ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, जो कि इस साल साइंस में सिलेबस में नहीं आता, कोविड को लेकर के जो बहुत सारे चेंजेस कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं बॉडी में, उसमें 97.6 को बोला गया है कि माना जाए आज के बाद नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी गर्म वैसे में भी रह जा रहा है कोविड में, बट ऐसे छोटे क्लास से याद किए हैं 98.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर है। इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो फ़ारेनहाइट में 98.6 -32/9 × 5 इसको कन्वर्ट करेंगे तो मोटा मोटी 37 डिग्री सेल्सियस आएगा, और यही नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। छोटे क्लास में साइंस में एसएसटी में जीके में भी जानते होगे, और अब बड़े हो रहे हो तो देख भी रहे होगे, अगल बगल बॉडी टेम्परेचर नाप रहे होगे, तो जो बॉडी टेम्परेचर सबको ही मालूम है कि 100 हो गया, 101 हो गया, फीवर हो गया, वो यूनिट फ़ारेनहाइट में है। सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो 37 डिग्री आएगा, और इसी को अगर केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे तो बताओ केल्विन में कन्वर्ट करना होगा 273 में 37 जोड़ दो, ये तो 310 जो है वो केल्विन में हो जाएगा। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98.6 है, सेल्सियस में 37 डिग्री है, और केल्विन में 310 डिग्री है। वैसे जो नॉर्मल वाला थर्मोमीटर होता है इसमें रीडिंग फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में होता है, केल्विन में नहीं। और बाकी इस फॉर्मूला से, और आजकल तो नए नए तरह के थर्मोमीटर भी है मार्केट में, बट फॉर्मूला से कन्वर्ट करना हो तो इस तरह से हम लोग सेल्सियस से सीधा केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस से केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर हो गया पूरा का पूरा खत्म आपका। इस पूरे चैप्टर को यहाँ पर पूर्ण विराम दिया जाता है लेक्चर 8 पर, और कल के क्लास में हम लोग चैप्टर में एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको प्लस कुछ कुछ और एक्स्ट्रा बात करते हुए कल पूरा खत्म कर देंगे। वैसे ये चैप्टर यहाँ पर हो गया, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है बना लो, जो जो मैंने लिखवाया है कॉपी में बस वही लिखना है। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन का मतलब सिर्फ सीधा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं, बीच बीच में जो एग्जाम्पल्स हैं, बीच बीच में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको भी पकड़ना है, और लैंग्वेज लिखने का प्रैक्टिस करना है। जैसे हाउ डेजर्ट कूलर वर्क्स, तो मेरा लैंग्वेज समझ में आ गया बट इंग्लिश में लिख नहीं पा रहे हो तो क्या लिखोगे एग्जाम में, कि हमें टीचर का हिंदी में समझ में आया इंग्लिश में लिखने नहीं आ रहा है। अपने से लिखो, गलत हुआ तो हुआ, कुछ लोगों ने होमवर्क किया है, बाकी लोग करो। और यहाँ पर हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है वो खत्म होता है।